नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भाटी। सीमापार से बढ़ते सीज फायर उल्लंघन को लेकर सेना प्रमुख विपिन रावत ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को कड़ी चेतावनी दी है। सेना प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना जब भी सीमापार से फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश करती रहेगी उसको कड़ा जवाब देते रहेंगे। साथ ही विपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान जब तक सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं रोकता कश्मीर में शांति बहाली नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सेना जब भी सीमापार से फायरिंग करती है और घुसपैठ की कोशिश करती है हम उसका कड़ा जवाब देते रहेंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि कश्मीर में संघर्ष विराम के दौरान हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, अगर हालात शांत रहते हैं तो हम संघर्ष विराम बढ़ाने की सोच सकते हैं। तो सेना प्रमुख का एक बड़ा बयान। बहाल की जाए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर वायलेशन होता रहता है जिससे कि जान मान का नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। अगर वहां से सीज फायर वायलेशन होगा तो जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से भी होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई में अगर अमन शांति चाहता है तो हम सबसे पहले पहल उनकी ओर से चाहेंगे कि उनकी तरफ से हो। और पहल किस तरीके से हो कि जो वहां से जो आतंकी घुसपैठ करके कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं इस घुसपैठ को रोका जाए, और इसी घुसपैठ को जारी रखने के लिए अक्सर ये सीज फायर का वायलेशन होता रहता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरहद पर शांति बनी रहे, लेकिन सरहद पर शांति बनाने के लिए ये जरूरी है कि पार से जो आतंकवादी के जो कैंप बने हुए हैं वहां पे जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वहां से जो असला और हथियार हमारे